सब्सक्राइब कीजिए पीबी न्यूज चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं परेश पीबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मई 2018 के टॉप 3 एप्लीकेशन में आप सभी के लिए लेके आए और आपको ये तीनों एप्लीकेशन बहुत ही पसंद आएगी, इसलिए वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि ये तीन एप्लीकेशन बहुत ही लाजवाब है और इसमें क्या काम होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा एप्लीकेशन आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो इस एप्लीकेशन का काम क्या है, सेटिंग क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूं, जिसका नाम है डायनामिक रोटेशन। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहां पे कुछ भी ओपन नहीं होगा, सिंपल सा इंटरफेस आएगा। यहां पे आपको अभी ये स्टॉप दिख रहा है, इसको आपको यहां पे ऑन कर लेना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ऑन कर लेगा ये हो जाएगा रनिंग। अभी इसका काम क्या है मैं भी आपको बता दूं दोस्तों। तो ये एप्लीकेशन एक्चुअली काम करता है, सपोज आप यहाँ पे आप चाहते हैं कि भाई हम जब यूसी ब्राउज़र में जाए या गूगल क्रोम में जाए तो हमारा फ़ोन रोटेट ना हो। रोटेट यानी कि क्या, हमने एक साइड को फ़ोन कर लिया तो फ़ोन हो जाता है, घूम जाता है हमारा। तो यहाँ पे कंपनी ने हमें ऑलरेडी रोटेशन का एक ऑप्शन दिया रखा होता है, यहाँ पे हम इसको अनेबल ऑफ कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन जो काम करती है, सपोज़ हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो वो तब ऑटोमेटिकली हमें स्क्रीन पे दिखा देगा कि भाई आपको अपना फ़ोन रोटेट करना है कि नहीं करना है। यार दोस्तों, जैसे मैं मेरे फ़ोन को वन साइड करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे एक रोटेट का यहाँ पे आइकन आ जाता है। मैंने वन साइड फोन किया, यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन आ गया, फिर से मैंने ऊपर कर दिया कट हो गया, फिर से मैंने रोटेट का ऑप्शन यहाँ पे किया मोबाइल, फिर से वो ऑप्शन आ गया, फिर से यहाँ पे रोटेट किया मैंने, फिर से वो ऑप्शन आ जाता है। मतलब जैसे आप फोन को घुमाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको एक आइकन दिख जाएगा, वो कुछ 2-3 सेकंड के लिए रहेगा, आप उस पर क्लिक करते ही वो डायरेक्टली आपके फोन को रोटेट कर देगा। मतलब आपको बार बार आपके फोन के ऊपर जाके यहाँ पे रोटेशन आपको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, यही है इस एप्लीकेशन का काम है। उसके बाद सेकंड नंबर का जो एप्लीकेशन है वो तो बहुत ही जबरदस्त है, आपको ये एप्लीकेशन बहुत ही पसंद आएगा। तो इस एप्लीकेशन का काम क्या है मैं आपको बता दूं, ऑडियो रीडर करके एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को जैसे आप ओपन करते हो तो यहां पे आपने बहुत बड़े बड़े आपके पास पीडीएफ होंगे, बड़े बड़े बुक्स के पीडीएफ होंगे आपके पास, तो आपको वो पढ़ने में दिक्कत आती है। तो आप यहां पे सिंपली आपके पास जो भी पीडीएफ होगी यहां पे 3 डॉट्स पे क्लिक कर लीजिए। 3 डॉट्स पे जैसे आप क्लिक करते हो यहां पे आपकी फाइल या पीडीएफ यहाँ पे ऐड इंपोर्ट फाइल कर लीजिए। उसको इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आप उस पीडीएफ को डायरेक्टली प्ले कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आपकी जो पीडीएफ है उसको डायरेक्टली आपकी लैंग्वेज में आप उसको प्ले कर सकते हो और उसको आप हेडफोन लगा के सुन सकते हो। मतलब आपके पास कितनी भी बड़ी बुक हो, कितनी भी बड़ी पीडीएफ हो, आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप उस पीडीएफ को सुन सकते हो बिल्कुल ही आसानी से इस एप्लीकेशन की बदौलत। अब ये एप्लीकेशन तो हो गया भाई, ये दोनों एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तीसरा एप्लीकेशन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और ये बहुत ही यूनिक एप्लीकेशन है, तो इसका नाम है ओपेरा टच। ये एप्लीकेशन अभी लॉन्च हुआ है ओपेरा ब्राउजर की ओर से। ये एप्लीकेशन आपको बहुत ही पसंद आएगा और इसके कुछ यूनिक फीचर है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसके यूनिक फीचर क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज आप कोई वेबसाइट मोबाइल पे ओपन कर रहे हो और वही वेबसाइट आपको करनी है डेस्कटॉप पे ओपन, यानी आपके लैपटॉप कंप्यूटर पे इसको ओपन करनी है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको कनेक्ट कंप्यूटर कर सकते हैं, कनेक्ट टू कंप्यूटर, और उसके बाद ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगी के लैपटॉप या कंप्यूटर में। मतलब आपको यहाँ से URL देख के वहाँ पे URL डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर यहाँ पे सपोज आपने कोई URL डाल दिया, सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ google.com, तो यहाँ पे मैं google.com जैसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेबसाइट के बाजू में एक एरो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस एरो पे जैसे आप क्लिक करते हो तो ये वेबसाइट डायरेक्टली आपके डेस्कटॉप पे चल जाएगी। देखिएगा यहाँ पे कनेक्ट टू कंप्यूटर लिख रहा है, यहाँ पे मैं जैसे कनेक्ट करता हूँ उसको अपने कंप्यूटर से, तो यहाँ पे QR कोड से कनेक्ट होने के बाद ये डायरेक्टली आपके डेस्कटॉप पे यानी आपके लैपटॉप कंप्यूटर पे ये एप्लीकेशन का जो यहाँ पे सिस्टम दिया गया है यहाँ से URL डायरेक्टली वहाँ पे चला जाएगा। मतलब आपको बार बार URL वहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस एप्लीकेशन में आपको बहुत ही एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप अलग अलग टैब पे यहाँ पे कोई जाना चाहते हो तो आप यहाँ से वहाँ अलग जा सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे टच करके रखेंगे, सपोज आपने 2-3 टैब ओपन करके रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ स्वाइप करने की ज़रूरत है। जैसे ही स्वाइप करेंगे यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट में आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। यहाँ पे एड ब्लॉकर वगैरह आपको एडवांस फीचर यहाँ पे ओपेरा मिनी की ओर से मिल जाते हैं और यहाँ पे दिखने में बहुत ही यूनिक दिखता है ये ब्राउजर अनदर ब्राउजर से। तो ये ब्राउजर आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये तीनों एप्लीकेशन के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको जिसमें से इसमें से कोई भी एक एप्लीकेशन पसंद आएगा तो एप्लीकेशन आप अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हो। ये तीनों एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है और आपको इस महीने में ये तीनों एप्लीकेशन बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। मई 2018 में ये तीनों एप्लीकेशन आ गए, वो तीनों एप्लीकेशन बहुत ही बेस्ट है, तो आप इनमें से जो पसंद होगा एप्लीकेशन अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हो। तो आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती है दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।